आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लोगों को बाघ को मार दिया गया। आखिरकार आतंक के पर्याय का अंत हो ही गया। बता दें कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में अब तक 10 लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला आदमखोर बाघ को आदमखोर बाघ शूटर्स ने ढेर कर दिया। बता दें कि बाघ की 26 दिन से तलाश हो रही थी। बिहार में ये पहली बार था जब किसी बाघ को मारा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक बिहार में बाघ को टैंकुलाइज करके पकड़ने के मामले ही सामने आए हैं, लेकिन इस बार ये प्रयास फेल होने की वजह से बाघ को जान से मारने का निर्णय लिया गया। लेकिन ऐसे खतरनाक बाघ को मारना भी आसान नहीं है, लेकिन बाघ को मारने वाली स्पेशल टीम ने इसे पूरा किया। आदमखोर बाघ को मारने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी, उसे गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव के खेत में घेरा गया। जब खेत में बाघ की दहाड़ सुनाई दी तो टीम ने भी 3 और खेतों से दाखिल होते हुए बाघ को घेरना शुरू किया। बाघ के पैरों के निशान के बाद एक्सपर्ट की टीम को ये यकीन हो गया कि वो गन्ने के खेत में छिपा है। इसके बाद उसे खेत की चारों ओर से जाल के माध्यम से घेराबंदी की गई। इसके बाद राइफल से लैस टीम हाथी पर सवार होकर गन्ने के खेत के अंदर गई और वहां पहुंचते ही बाघ पर टीम की नजर गई और उस पर फायरिंग की गई। टीम ने बाघ को 4 गोली मारी, इनमें से 2 गोली उसे लगी और बाघ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे बाघ आदमखोर हो जाते हैं और कब दिया जाता है बाघों को मारने का आदेश। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बाघों के आदमखोर होने का बड़ा कारण जंगल की कमी या फिर भोजन की कमी होना है। सिर्फ बुजुर्ग या जख्मी बाघ ही आदमखोर नहीं होते हैं, युवा बाघ भी आदमखोर हो जाते हैं। कभी कभी बाघों को शारीरिक तौर पर कोई दिक्कत होने से भी वो आदमखोर हो जाता है। शारीरिक तौर पर दिक्कत होने जैसे दांत टूट जाने या फिर लगने के कारण भी बाघ नरभक्षी हो जाते हैं। वो जंगल से बाहर आ जाते हैं और आसपास के इलाकों में इंसानों और मवेशियों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। बता दें कि बाघ ने 9 महीने में 10 लोगों पर हमला किया था, इनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। वही बाघ ने माँ बेटे पर हमला कर दिया था, इनमें से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जहां सिर्फ 3 दिनों में ही बाघ ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद बाघ को मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे। जहां 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद आदमखोर को मार गिराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।